अभी यहाँ किसी ने मुझे बताया कि आज एक कार्यक्रम अमरोहा में और है। मैंने पूछा कौन कर रहे हैं, तो बताया कि भंते सुमित रत्न ने एक रथ एक बस बनाई है और वो संविधान को लोगों को 1 करोड़ संविधान देंगे। फिर मैंने पूछा कैसे देंगे, खरीद के देंगे, उनके पास इतना पैसा 1 करोड़ संविधान, क्योंकि संविधान अगर थोक में छपाओगे तो बड़ा संविधान बड़े साइज का 70-80 रुपये का पड़ता है, तो अगर 1 करोड़ है तो इसका मतलब 70-80 करोड़ रुपये चाहिए छपवाने के लिए, क्योंकि हम संघ में काम करते हैं, संघ में जीवन दिया हुआ है, हमारे पास कभी ऐसा नहीं होता कि हम कभी 1 लाख 2 लाख 2 लाख कोई समग्रंथ छपा दें। लोग जितना मांगते हैं, जितना पैसा वो देते हैं उतना छप जाता है, उनको मिल जाता है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि वो जो संविधान है उसको कैसे करेंगे। तो संविधान का उन्होंने बताया कि जी वो ऐसा सिस्टम उन्होंने बताया है कि आप उनसे संविधान खरीदो 500 रुपये में और फिर उनको वापस कर दो। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, 500 रुपये आपने उनको दिए, आपको कुछ मिला नहीं, संविधान आपने लिया फिर उन्हीं को दे दिया, तो संविधान घर घर कैसे पहुंचा? तो ऐसे तो मैं 100 करोड़ संविधान बांट दूंगा, 100 करोड़ लोग आए, 100 करोड़ लोग संविधान एक एक करके लें और दें। फिर मैंने कहा उस 500 रुपये का क्या होगा, क्या और संविधान छपेंगे? क्या जी 500 रुपये का तो पता नहीं, इसका तो हिसाब है नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई रथ तो एक दिल्ली में भी तैयार हुआ था, जो राजेंद्र पाल एडवोकेट मंत्री रहे पुराने, उन्होंने भी रथ बनवाया। उस रथ में और उनके कार्यक्रम में सुमित रत्न भी गए थे, वो रथ खाली पड़ा हुआ है, चलता नहीं है, वहाँ खड़ा खड़ा उसमें जंग लग रही है। तो रथ ही अगर बनवाना था तो उनका ले लेते, वो भी धमका काम करते हैं, ये भी धमका काम करते हैं, तो क्या दोनों के धमके काम में अंतर है? क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या दोनों के बुद्ध अलग अलग हैं? क्या दोनों अलग अलग लोगों को बुद्धिस्ट बनाएंगे? क्या राजेंद्र पाल गौतम अलग से बुद्धिस्ट बनाएंगे और भंते सुमित्र अलग से बनाएंगे? क्या दोनों के अकाउंट एक नहीं है? क्या अकाउंट धमका नहीं है? ये सवाल मैंने पूछे, बोले जी हमें तो इसकी जानकारी है नहीं। भाई जब आप समाज में रहते हो और आप समाज में चाहते हो कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, आप चाहते हो कि हमारी मुसीबतें टल जाएं, फिर अगर अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं और एक ही काम करते हैं तो आप उनसे पूछते क्यों नहीं हो कि आप अलग अलग काम क्यों कर रहे हो, इस अलग अलग काम करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इसको कौन पूछेगा? अगर 20 राजनीतिक पार्टियां हैं और अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और 20 की 20 राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं 2024 फतेह करना है, मिशन 2024 में हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भाई जब सबको 2024 की चिंता है तो तुम सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारी एक मीटिंग हमने समाज में नहीं देखी कि जब तुम्हें 2024 की कोई चिंता हो, राजनीतिक रूप से बता रहा हूँ, तो इकट्ठे हो जाते, पूरे देश के जितने लोग थे वो इकट्ठे हो जाते जो समलों के थे, पर नहीं हुए। वैसे ही बामसेफ वाले जितने लोग हैं, बामसेफ वाले लोगों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग बामसेफ क्यों चलाते हो, अलग अलग चंदा क्यों लेते हो, क्या फ़ायदा है इसका? जब आपका मिशन एक, मोमेंट एक, और जब आपका बनाने वाला एक है जिसको आप माननीय काशीराम कहते हो और उनकी इज्जत भी करते हो, फिर उनके काम को तोड़ते क्यों हो, फिर उनके काम को बिखेरते क्यों हो? अलग अलग बामसेफ का मीटिंग लगा के अलग अलग लोग टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? अलग अलग बामसेफ बनाओगे तो अलग अलग कार्यकर्ता बनाओगे, तो अलग अलग ग्रुप बनाओगे, तो क्या उन ग्रुपों में दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी? अगर दोस्ती होगी तो अलग अलग क्यों हैं, और अगर दोस्ती नहीं है तो साहिर सी बात है कि दुश्मनी है, इसलिए अलग अलग हैं। तुम एक के यहाँ आते नहीं, दूसरे के यहाँ जाते नहीं, कभी एक साथ बैठते नहीं, कभी एक साथ बैठ के देखा नहीं। वैसे ही हमने लड़कों से पूछा कि अरे इतने सारे दलबल बनाते हो, अलग अलग संतों के नाम पर बनाते हो, तो क्या संतों ने कहा था कि अलग अलग बनाना? क्या संतों ने कहा था कि अलग अलग रहना? क्या संतों ने कहा था कि हमको अलग अलग कर देना? ये जितने हमारे समणों के संत हैं, ये सारे संत यही कहते कि इकट्ठे हो जाओ, और तुमने संत ही अलग अलग कर दिए। तुम आपस में लड़ने लगे कि मेरा संत कबीर है, मेरा संत रविदास है, मेरा संत गाडगे है, मेरा संत नामदेव है, मेरा संत बौद्ध भिक्खु है, मेरा संत बुद्ध है, मेरा संत सतनामी है, मेरा संत घासीदास जी है, गुरु घासीदास है, मेरा संत हरिचंद ठाकुर है। ये कैसी बात हुई?
संतों ने तो कभी नहीं कहा कि हमको अलग अलग करना। फिर आपने संत अलग अलग क्यों कर दिए और अलग अलग चंदा करते हो और अलग अलग संतों को मानते हो और संतों की बात नहीं मानते। तो संतों को मानने वाले लोगों ने भी हमको नहीं बताया क्या कारण है क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी समस्या जो अलग अलग चल रही है, इस समस्या पे चिंतन और विचार करने के बाद में हमने ये हिसाब लगाया कि आखिर ये जो लोग हैं ये कभी एक थे या नहीं, या ऐसे ही टुकड़ों में टूटते आ रहे हैं।